अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। खास देखिए आप लोगों के लिए डिफरेंट स्टाइल में मैंने बनाया है चिकन। ये चिकन फ्राई है बहुत डिफरेंट स्टाइल में और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जूसी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग इसे बनाइए, अपनी फैमिली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्लीज़ मेरे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई सी नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। आप लोग इसे बनाइए। हाँ, दुआओं की खास गुजारिश है, आप लोग दुआ करिए कि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों को बना के बताऊँ और बताना ज़रूर कि मेरी ये भी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए इसका बनाने का सिंपल सा आसान रेसिपी बताते हैं आप लोगों को। अगर अब तक मेरे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई सी नई नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। देख सकते हैं आप, मैं चिकन फ्राई बना रही हूँ तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप लोग देखिए, मैं सारे मसाले डालते समय आपको बताते जाऊंगी कि मैं कौन कौन से सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, मैं पहले इसमें डालूंगी चिकन मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और देखिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ फूड कलर, और मैं मेजर के लिए स्पून रखा है इसमें देखिए 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक ले रही हूँ मैं, और इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून, 1.5 मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर, इसी चम्मच से मैंने ले रहा है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो ये देखिए कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, तो बहुत डिफरेंट और बहुत ही सिंपल और इजी है। और इसमें मैंने 1 नींबू मिलाना है लेमन, और मैं इसमें डाल लूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। चिकन में मैं कभी भी ज़्यादा डालती हूँ, स्पून से देखिए मैंने 2 टीस्पून लिया है मैंने, और इसमें देखिए मीडियम साइज का 1 नींबू, उसका मैंने रस निकाल लिया है। अब सारे चिकन को इस मसाले से मैं बहुत ही अच्छे से मिला लूँगी, सारे मसाले चिकन में मिलने चाहिए। और इसे मिलाने के बाद मैं इसे 1/2 घंटे के लिए रख दूँगी, इसे कवर करके 1/2 आवर या 15 से 20 मिनट भी आप रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो 15-20 मिनट में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। कोई भी सालन बना ले तो साथ में अगर चिकन फ्राई करना है तो आप इसे इस तरीके से मसाले मिलाकर फ्राई कर सकते हैं। देखिए सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे से मिला दिए हैं, अब मैं इसे एक साइड में रख दूँगी। ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप तेल। देख सकते हैं आप, तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें चिकन फ्राई करूँगी। चिकन में मैं देखिए 1 कप हरा धनिया, करी पत्ता और पुदीना, ये सारे चीज़ें मैंने ले ली हैं। देख सकते हैं इसमें करी पत्ते भी हैं, और इसमें मैं कट नहीं करूँगी, इसी तरीके से बड़े बड़े पत्ते रखने वाली हूँ मैं। चिकन देख सकते हैं अच्छे से मिल गया है, देख सकते हैं आप। तो एक एक पीस में लेते जाऊँगी, इस तरीके से तेल में ऐड करते जाऊँगी। तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, सारे पीसेस को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत सिंपल है, आप लोग ये भी ट्राई करिए। और मेरे चिकन के फ्राई रेसिपी बहुत सारे अपलोड है, आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, और बहुत सिंपल ईजी है मेरे हर रेसिपी। तो सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो इसे अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए एक साइड अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ, देखिए इतने अच्छे से लाल हो गए हैं ये। देखिए सारे चिकन को मैंने बहुत अच्छे से पलटा लिए, एक साइड ही अच्छे से पक गया है, अब मैं इसे दूसरे साइड से अच्छे से पका लूँगी। चलिए इसी तरीके से मैं इसकी टाइप से बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ अच्छे से।
ये देखिए मैंने एक कप में पानी लिया है और प्याज को देखिए इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। आप प्याज कभी भी खाना पसंद करते हैं बिरयानी के साथ, फ्राइड चिकन के साथ, किसी भी चीज़ से, तो देखिए प्याज के पीसेस को इस तरीके से गोल गोल कट कर लें और पानी में इस तरीके से एक 10 मिनट के लिए रख दें, फिर उसके बाद आप इसे खाइए। तो अगर प्याज में अगर आपको तेज़ पाना रहा तो सारा तेज़ पाना इस पानी में निकल जाएगा। इस तरीके से आप रख लीजिए। एक तरफ चिकन फ्राई हो रहा है, मैंने इसे प्याज कट करके रख दिया है कप में ताकि खाते समय में भी तेज़ ना लगे। देखिए चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है और आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं देखिए चिकन गल भी रहा है, देखिए कितने अच्छे से देखिए गल गया है, देखो देख सकते हैं, ये देखिए देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गया है, ये बहुत ईजी से पक गया है, ये देख सकते हैं चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, ठीक है। ये देखिए चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। इसमें जो मैंने हरा मसाला जो कट करके रखा था, हरा धनिया, पुदीना, करी पत्ता, फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ये जो हरा मसाले के और करी पत्ते की जो स्मेल है वो सारी चिकन में अच्छे से आ जाएंगी और चिकन में और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से गैस का फ्लेम ऑफ करके आप इसे ऐड करिए, तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख दीजिए ताकि करियापा का जो फ्लेवर है हरा मसाले का सारा मज़ा इसमें सारी चिकन में आ जाएगा। इस तरीके से 2 मिनट के लिए मैं रख रही हूँ। चलिए चिकन को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। मैं सारा चिकन देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गया है, देखिए सारे चिकन को मैंने निकाल रहा है इसी तरीके से प्लेट में। ये देख सकते हैं आप फ्राई चिकन रेडी है। तो इसके साथ देखिए मैं जो प्याज कट करके रखा था, ये देख सकते हैं आप, वो प्याज इसमें निकाल रही हूँ। इस तरीके से खाते समय निकाल लें, ये देखिए। साथ में मैं रख रही हूँ लेमन, अगर आपको और नींबू की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप फ्राई चिकन डिफरेंट स्टाइल में रेडी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और हाँ बताइएगा ज़रूर मेरी ये भी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं नई से नई अच्छे से अच्छे रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की खास गुजारिश है, दुआओं में खास याद रखिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नई से नई नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अल्लाह हाफिज़।